कानपुर पुलिस ने मच्छर भगाने वाली नकली अगरबत्ती फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दोनों फैक्ट्रियों से पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों को अरेस्ट किया है। फैक्ट्री संचालक ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में नकली अगरबत्ती बेचने का काम कर रहे थे। नकली अगरबत्ती लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक थी। कानपुर में डीआईजी की स्वाट टीम ने मंगलवार देर रात मच्छर भगाने की नकली अगरबत्ती बनाने वाली दो फैक्ट्रियों को पकड़ा है। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों फैक्ट्रियों से कच्चा और तैयार माल के साथ मशीनें बरामद की हैं। नजीराबाद सीओ संतोष सिंह ने बताया कि कंफर्ट कंपनी के लीगल एडवाइजर ने शिकायत की थी कि उनकी कंपनी के नाम पर नकली अगरबत्ती बनाई जा रही है। इसके बारे में और जानकारी जुटाई गई। डीआईजी की स्वाट टीम ने फजलगंज पुलिस के साथ मिलकर गड़रियन पुरवा स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी की। इस फैक्ट्री में अगरबत्ती बनाने का काम जोरों पर चल रहा था। यहाँ से फैक्ट्री संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फजलगंज से पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर स्वाट टीम ने महाराजपुर पुलिस के साथ मिलकर रूमा स्थित फैक्ट्री में छापेमारी की। इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली अगरबत्ती बनाने का काम चल रहा था। दोनों फैक्ट्रियों में कई ब्रांडेड कंपनियों के पैकिंग पाई गई है। असली पैकिंग में नकली अगरबत्ती भरकर सेल की जाती थी। ये मिस्टर चक्रवर्ती हैं, कंफर्ट अगरबत्ती के जो है लीगल सेल से हैं। ये इन्होंने सूचना दी कि यहाँ फजलगंज में ये लोग जो है नकली अगरबत्ती बना के रैपर में सील करके उसको जो है बेच रहे हैं। जिनकी सूचना पे स्वाट टीम प्रभारी SHO फजलगंज इनकी टीम ने दबिश किया तो यहाँ ढेर सारे रैपर, विभिन्न ब्रांडों की मास्किटो की अगरबत्तियाँ, मशीनें, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इनके ऊपर नियमतः मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जांच पे यहाँ बहुत ब्रांड के जो है अगरबत्तियाँ मिली हैं। बहुत सारे कंफर्ट का है, रामबाण का है, ऐसे ऐसे करके जो है तकरीबन 10 ब्रांड हैं जिनमें इनकी जो है पैकिंग वगैरह हो रही है। क्या माना जाए नकली है कि असली मास्क जो बरामद? नहीं, बिल्कुल डुप्लीकेट है। वो तो लीगल सेल के इनके हैं ही, वो बता ही रहे हैं कि इनके नाम से जो है ये उसको फर्जी पैक करके जो है मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस है किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? नहीं, बिल्कुल इसमें ये इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा लिख के जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, उसको की जाएगी। क्योंकि बड़ा मामला, कुछ अरेस्टिंग वगैरह की है अभी पुलिस को? नहीं, बिल्कुल अग्रिम कार्रवाई जो भी है नियमता सब की जाएगी इसमें। अभी तो इसमें जो है जाँच चल रही है, अभी तो तलाशी चल रही है इसकी, बिल्कुल होगी, अरेस्टिंग भी होगी। कानपुर से मोहम्मद ज़ीशान खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।